ये जो प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर और उसका जो अभी बेटा वहां से हटाया है पंजाब से, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। यही इलेक्शन कमीशन थी, अंडर ट्रायल थे दोनों। इस इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि दो अंडर ट्रायल 24 अरब रुपए के केसेस और इस इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी उसको इलेक्शन लड़ने की? कौन से दुनिया के मुल्क में इस तरह के चोरों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलती है? किधर था ये इलेक्शन कमीशन तब? एक एक चीज ढूंढ के आप बता रहे हैं जी, वो किसी ने कोई $100 दिया, वो फॉरेन फंडिंग होगी। ये नहीं आपको नजर आया कि मुल्क के डाकुओं को आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी? और आपने बाकियों के देखे, 60% कैबिनेट जमानत पे है। कौन से मुल्क के अंदर जमानत पे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती है?